नमो नमः। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम बीए के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित ईशावास्योपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र का अध्ययन करेंगे। ईशावास्योपनिषद का प्रथम मंत्र है ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा माग्रतः कस्य स्विद्धनम्। इस मंत्र का जो प्रथम पद है ईशावास्यम, यह पद ईश्वर की सर्वव्यापकता का द्योतक है। इसी शब्द के आधार पर इस उपनिषद का नाम ईशावास्य उपनिषद रखा गया है। इस मंत्र में ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जगत्याम यत किंच जगत, संसार में जो कुछ भी पदार्थ जात है, जगत यानी कि पदार्थ जात यानी कि सजीव और निर्जीव पदार्थ, इदं सर्वं यह सब कुछ ईशावास्य परमेश्वर से व्याप्त है। तेन उस परमेश्वर के द्वारा त्यक्तेन अर्थात छोड़े हुए पदार्थों का भुंजिता भोग करो, कस्य स्वित अन्य किसी के धनम यानी धन का माग्रतः लालच मत करो। इस प्रकार इस मंत्र में परमेश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन करते हुए यह कहा गया है कि इस संसार में जो कुछ भी सजीव और निर्जीव पदार्थ आपको दिखाई देते हैं, उन सब में सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म की व्यापकता है और उस परमेश्वर ने आपके लिए जितना हिस्सा दिया है उसी का ही आप उपभोग करो, किसी अन्य के धन का लालच मत करो। कहने का तात्पर्य यह है कि इस मंत्र में अखिल भूमंडल के प्राणियों के प्रति, विशेष रूप से मनुष्य जाति के प्रति वेद भगवान का यह संदेश है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप संसार है वह सब कुछ सर्वाधिकार ईश्वर से व्याप्त है, संसार के नियंता के द्वारा आच्छादित है, सदैव और सर्वत्र उन्हीं से ही परिपूर्ण है। वह परम पिता परमेश्वर ही इस जगत के स्वामी हैं, इसलिए उस परम ब्रह्म परमात्मा को अंतःस्थल में स्मरण करते हुए ही मनुष्य को त्यागपूर्वक संसार के सभी पदार्थों का उपभोग करना चाहिए और प्राणियों के प्रति आसक्ति को त्यागते हुए जीवन यापन करना चाहिए। यह धन संपदा तो ईश्वर की ही है,
इसलिए हमें उसका लोभ नहीं करना चाहिए अपितु आवश्यकता अनुसार धन का ही सेवन करना चाहिए। तो इस प्रकार ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र का अध्ययन आज हमने किया। अगले वीडियो में हम ईशावास्योपनिषद के द्वितीय मंत्र का अध्ययन करेंगे। इसी के साथ ही अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।